नाजरीन आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। रावलपिंडी के मसरूफ तरीन रेंज रोड पर जाली पुलिस अफरान बांधकर लूटने की वारदात के दौरान बाहर से आने वाले एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इन्हीं डाकुओं ने रावलपिंडी के दीगर इलाकों में वारदातें की हैं। मजीद अफसलात जानते हैं वॉच टाइम्स के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, बताइएगा ये नौजवान कौन से मुल्क से आ रहा था और क्या लूटने वाले डाकुओं का सुराग लगाया जा चुका है या नहीं? जी बिल्कुल मुजीब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया थाना रेस कोर्स में पेश आया, जहां पर बरतानिया से आए 20 साल बाद मां से मिलने आने वाले नौजवान तसव्वुर को पुलिस की वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। नौजवान ने मजम्मत की, जिस पर पुलिस की वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। यहाँ आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये अपने कज़न के साथ एयरपोर्ट से निकला और अपनी वालदा से मिलने के लिए जा रहा था, जिस दौरान डाकुओं ने इनको रास्ते में रोका और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और इनसे एक हैंड कैरी जिसमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात भी थे, जो लेकर वो फरार हो गए। इसी के कुछ देर बाद थाना कैंट के इलाके में इसी तरह की एक वारदात हुई, जिसमें पुलिस की वर्दियों में मलबूस कुछ डाकुओं ने पेट्रोल पम्प के कैशियर से 20 लाख रुपया छीना और लेकर फरार हो गए। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि बैरियर टाउन फेस 7 से चांद नामी नौजवान से वायरलेस सेट उठाए डाकुओं ने 26 लाख रुपया लूटा और गोली भी मार गए। इसके बाद रावलपिंडी पुलिस के ये को पहली वारदात नहीं है, ऐसी कई वारदातें रिपोर्ट होती हैं डेली, जबकि पुलिस इन डाकुओं को चलान भी करती है, लेकिन चलान इतना नाकिस बनाया जाता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। ये रावलपिंडी की को पहली वारदात नहीं है, इस तरह की कई वारदातें रोज़मर्रा जो रिपोर्ट होती हैं। जी जिस्मान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।